अंतरिक्ष में दो विशाल ग्रहों की हुई टक्कर, नासा ने कैमरे में कैद की घटना, वैज्ञानिकों को मिली नई दुनिया। अंतरिक्ष में अक्सर हैरान कर देने वाली घटनाएं देखने को मिलती है। अब अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने दो विशाल ग्रहों के टक्कर के परिणाम की घटना को कैमरे में कैद किया है। वैज्ञानिकों ने इस घटना को धरती से करीब 3600 प्रकाश वर्ष दूर रिकॉर्ड किया है। इस घटना को कैमरे में कैद करने के लिए उन्होंने नासा के आसमान की निगरानी के लिए डिजाइन किए गए अंतरिक्ष यान का इस्तेमाल किया है। वैज्ञानिकों ने इस महत्वपूर्ण खोज में दो विशाल बर्फीले ग्रहों की हिंसक विलय के बारे में पता लगाया है। इसके परिणाम स्वरूप वाष्पीकृत चट्टान और पानी की एक विशिष्ट डोनट के आकार का बादल बन गया। एक रिपोर्ट में दावा करते हुए यह कहा गया कि यह घटना वास्तविक समय में एक दुनिया के जन्म को देखने और संभावित रूप से ग्रह निर्माण के रहस्यों को जानने के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण अवसर देता है। खगोलविदों के समूह ने किसी की जिज्ञासा के संतुष्टि के लिए ASA SSN 21 QJ नामक तारे के अजीबोगरीब व्यवहार का अध्ययन करना शुरू किया। यह तारा धरती से 3600 प्रकाश वर्ष दूर मौजूद है, जिसने एक अनोखा पैटर्न दिखाया है। इससे दुनिया भर के वैज्ञानिकों की रुचि जगी है। खगोलविदों ने 2 साल तक इस ASA SSN 21 QJ तारे का अध्ययन किया, इसकी सभी जानकारी को इकट्ठा किया और यह पता लगाया कि समय के साथ इस चमक का विकास कैसे हुआ। खगोलविदों के अध्ययन का परिणाम 11 अक्टूबर को नेचर पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। लीडेन विश्वविद्यालय के शोधकर्ता और अध्ययन के सह प्रमुख मैथ्यू केनवर्सी द्वारा इस अचानक किए गए खोज के बारे में जानकारी दी है। उनका कहना है कि एक खगोल शास्त्री ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि ऑप्टिकल फेंडिंग से 1000 दिन पहले तारा इंफ्रारेड के रूप में चमक रहा था। उन्होंने कहा कि तब मुझे एक असामान्य घटना के बारे में जानकारी थी। उन्होंने कहा कि ईमानदारी से बताऊं तो यह अनुभव मेरे लिए बेहद आश्चर्यचकित करने वाला था। ब्रिस्टल विश्वविद्यालय के एक शोधकर्ता और सह प्रमुख लेखक साइमन लॉक ने इस बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमारी गणना और कंप्यूटर मॉडल चमकते वस्तु के तापमान और आकार को बताते हैं। इसके साथ ही चमक कितने समय तक रहता है, दो बर्फीले विशाल एक्सोप्लैनेट की टक्कर की तरह है।